आइए एक बात मैं आपको और बताऊं, पत्नी की पहचान होती है पति की गरीबी में, पत्नी की पहचान होती है पति की गरीबी में, और पति की पहचान होती है पत्नी की बीमारी में, लड़की की पहचान होती है जवानी में, औलाद की पहचान होती है माता पिता के बुढ़ापे में। जिस पुत्र ने माता और पिता के बुढ़ापे में साथ दे दिया उस पुत्र का जीवन बदल गया। तो माता और पिता की रक्षा करना, माता और पिता का सम्मान करना भाइयों, यही भागवत है, यही कथा है। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। आइए, हर माँ के दिल में ये उत्कंठाएं होती हैं कि हमारा पुत्र सयाना हो जाएगा, मेरे आंगन में मेरी बहू आएगी तो मेरी सेवा करेगी। हर माँ ये विचार करती है, माताओं हर माँ जरा गौर करें कि माँ की ममता माँ ही मांगे और मुझे पुत्र मिले सिरवड़ की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। प्यारे भक्तों, माँ की हृदय की भावनाएं कहती हैं कि मुझे पुत्र सरवण जैसा चाहिए। हैं? जरा गौर करें, सरवण कौन थे? उद्यालक मुनि माता चंद्रकला के पुत्र थे, और सरवण कुमार ने अपने माता पिता को डोली में बैठाल करके तीर्थ यात्रा कराया था। जरा गौर करें। हैं? कहां से लाऊं गुरु से बड़ा न कोई है, और सभा में गुरु का मान बढ़ाए सच्चा चेला कोई है। गुरु पर मांगे मुझे शिष्य मिले, शिष्य मिले एकलव की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, हो भाभी मांगे देवर लक्ष्मण। प्यारे भक्तों, हर माँ के हृदय में विचार आते हैं कि मुझे पुत्र सरवण जैसा मिले। माताओं, लेकिन माफी चाहेंगे, थोड़ा परिवर्तन हो चुका है हमारे आपके विचारों में। हमारी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, जरा गौर करें। बूढ़ी माताएं सुबह जागने के बाद 5 किलो आटा पीस लेती थी, वो आटा पीसते हुए गीत गाती थी, भगवान का नाम लिया करती थी। तब इनके गर्भ से सरवण जैसे बालक अवतरित हुआ करते थे। बा भाई बा, आजकल की दशा देखो, काम धंधे की तो बात छोड़ो, काम धंधे की तो बात छोड़ो, भगवान का नाम छोड़ो। फोन चलाती हैं तो लड़का जैसे ही पैदा हुआ तो फोन में ही लग जाता है ना। कितना बड़ा परिवर्तन होता चला जा रहा है। एक बात और आपको बताएं, माँ चाहे तो बच्चे का भविष्य बना सकती है, और माँ चाहे तो बच्चे का भविष्य बिगाड़ सकती है।
अपने देहात में संस्कृति बहुत अच्छी है, शहरों में जाकर के देख लीजिए, माता बच्चे को जन्म देती है, अपना दुग्ध नहीं पिलाती है, 10 रुपया की बोतल ले आई, लला के मुंह में डाली, बोले तुम डरे रहो, हम तो बाजार गए। लड़का के मुंह में बोतल है, लड़का ने समझी जई हमारी अम्मा है। हाँ, छोटा है तो दूध की बोतल पी रहा है, बड़ा हुआ तो पेप्सी की बोतल, और बड़ा हुआ तो शराब की बोतल। इतनी बोतलें पी, इतनी बोतलें पी कि बीमार हो गए, और जब बीमार हो गए तो डॉक्टर साहब से गए, उन्हें बोतलें घुस दो। कहने का मतलब है, शुरू से एंड तक बच्चे की जिंदगी बोतल में ही चली जाती है। तो कहने का हमारा मतलब है, माँ चाहे तो बच्चे को बिगाड़ सकती है। मातृ दोषेन चरित्रहीनम, पितृ दोषेन मूर्खता, वंश दोषेन कायरतामी, स्वयं दोषेन दरिद्रता। माता के दोष से बालक चरित्रहीन होता है, पिता के दोष से बालक मूर्ख होता है, वंश के दोष से बालक कायर होता है, और स्वयं के दोष से बालक गरीब हो जाता है। कहने का हमारा मतलब है, आइए कथा प्रसंग की ओर।